फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल्स एजुकेशन पॉइंट्स। मैं सौरभ कुमार आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हाँ दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस्ड किया जाता है हम लोग ये जानेंगे। पिछली वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे, है ना, और इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। दो टाइप से किया जाता है, एक हीट एंड ट्रायल मेथड से और दूसरा है ना एलिम्बिक मेथड से। आज के टॉपिक्स में हम लोग दोनों ये जानेंगे। राइट दोस्तों, पहले इजी क्वेश्चंस लेंगे फिर हार्ड क्वेश्चंस लेंगे। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो न्यू सब्सक्राइबर है सो प्लीज सब्सक्राइब, है ना, और लास्ट तक ये वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, है ना। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। बहुत आसान मैंने लिया है क्वेश्चंस, पहले आसान क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट इससे धीरे धीरे हार्ड होता चला जाएगा। राइट, तो सबसे पहले फर्स्ट में दिया हुआ है दोस्तों कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। राइट, तो पहला ये हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग करेंगे। Al plus O2 gives Al2O3 है दोस्तों। राइट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नन मेटल को फोकस करते हैं। राइट, तो नन मेटल यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, नन मेटल यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है 3 है। तो जो यहाँ पर जैसे ही ये अलग अलग हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है दोस्तों, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। क्या होता है 6 होता है। तो 6 करने के लिए इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 लगा देंगे दोस्तों। जैसे ही यहाँ 3 लगाया तो ऑक्सीजन तो 6 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 3 हो गया। अब इसको 6 करने के लिए किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो यहाँ 2 लगा दिए, है ना दोस्तों। तो अब ऑक्सीजन तो यहाँ भी 6 हो गया, 2 3 जा 6, यहाँ भी हो गया 3 2 जा 6। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना हो गया 2 2 जा 4, यहाँ पे तो एल्यूमिनियम 1 है तो इसको 4 यहाँ पर लगा देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 एल्यूमिनियम। अब देखिए दोस्तों ये बैलेंस्ड हो गया है दोस्तों। तो क्या करना है, नॉन मेटल को फोकस करना है। राइट, हमेशा नॉन मेटल को ही फोकस करके बनाना है। राइट, तो फिर अब हम लोग देखते हैं एक सेकेंड क्वेश्चन है इसका, है ना, वो है Ca+HCl गिव राइज टू CaCl2+H2 दोस्तों। राइट, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लोरीन नॉन मेटल है, ऐसे हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है बट क्लोरीन नेगेटिव नॉन मेटल है, देख लेते हैं उसको। तो क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 1 और 1 और 2 का एलसीएम हमेशा 2 होता है। तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा दिए दोस्तों, यहाँ 2 लगा दिए तो अब क्लोरीन तो 2 हो गया। यहाँ 2 करने के लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2 है, है ना दोस्तों। टेक, अब यहाँ पर हाइड्रोजन देख लेते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस्ड हो गया। कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो बैलेंस्ड हो गया दोस्तों। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, है ना। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक ये क्या कहते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को अल्जेब्रिक मेथड से जानेंगे। पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत आसान, पहले इजी लेंगे फिर हार्ड लेंगे। राइट, तो अब अल्जेब्रिक मेथड से जानेंगे इसी को, कौन से मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से जानेंगे दोस्तों। राइट ना, पहला क्वेश्चन है आपको Al+O2 गिव राइज टू Al2O3। तो यहां पे अल्जेब्रिक मेथड में ABC होता है, हम जानते हैं A+B+C² ऐसे चलता है। तो A इसके आगे B और इसके आगे C लिख दिया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसके आगे क्या लिख दिए, A, इसके आगे क्या लिख दिए B और इसके आगे क्या लिख दिए C। राइट, अब हमें क्या करना है, ABC का वैल्यू पता करना है और इसमें पुट कर देना है। राइट, तो कैसे हुआ सो देख लीजिए। एल्युमिनियम के लिए लेते हैं A का वैल्यू, तो यहाँ पर जो होगा इससे मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे जो चीज रहेगा इससे मल्टीप्लाई, यहाँ तो कुछ नहीं, 1 है, 1 से A को मल्टीप्लाई किया तो A हो गया। अब इसमें देखना प्रोडक्ट में एल्युमिनियम कहाँ, यहाँ है, तो एल्युमिनियम से क्या लिखा हुआ 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा। तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा दोस्तों। राइट, अब यहाँ पे एल्युमिनियम तो हट गया, अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए यहाँ भी क्या हो गया 2B हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2B हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे B ऑक्सीजन के लिए क्या है, ये 3C है दोस्तों। राइट, ध्यान दीजिएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करना होता है तब लिखते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब लिखते हैं। राइट, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब लिखते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब लिखते हैं। राइट दोस्तों, अब यहां पर क्या करना, अपने मन से किसी एक को 1 मान लेना है, अपने मन से किसी, यानी इसके वैल्यू को A1 मान लेते हैं, क्या मान लिए 1 मान लिए।
तो यहाँ हो गया ए बी और सी, इस सब का वैल्यू यहाँ पे लिखना होगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, वन, ए इक्वल टू वन। अब सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू सी इक्वल टू वन, तो सी इक्वल टू वन बाई टू, सी का वैल्यू आ गया वन बाई टू आ गया। अब सी का वैल्यू अगर वन बाई टू यहाँ डाल दे तो टू बी इक्वल टू थ्री इंटू सी का वैल्यू वन बाई टू, यानी ये क्या हो गया थ्री बाई टू। तो बी का वैल्यू क्या आ गया, थ्री बाई फोर हो गया। दोस्तों बी का वैल्यू क्या हो गया, ये टू इधर जाएगा तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा, थ्री अपॉन फोर हो गया, बी का वैल्यू थ्री अपॉन फोर। ध्यान दिया दोस्तों, ये पहले समझ में आया क्या कि पहले यहाँ पे ए का वैल्यू वन तो लिख दिए हैं, टू सी बराबर वन तो सी बराबर क्या हो गया वन अपॉन टू, वन अपॉन टू लिख दिए हैं, राइट। अब सी का वैल्यू यहाँ पुट किए तो बी का वैल्यू कितना आ गया थ्री अपॉन फोर। अब क्या करना है कि यहां जो अपॉन में है उसका एलसीएम लेंगे, तो फोर और टू एलसीएम का एलसीएम क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो फोर से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी फोर से मल्टीप्लाई किए, इसको भी फोर से मल्टीप्लाई किए, इसको भी फोर से मल्टीप्लाई किए, ये फोर से ये फोर कट गया, ये टू से ये टू टाइम्स में कटेगा, तो फोर वन जा फोर, ए का वैल्यू फोर, थ्री वन जा थ्री, बी का वैल्यू थ्री और सी टू वन जा टू, सी का वैल्यू टू, है ना दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, यहां पर एक की जगह पे क्या लिखेंगे फोर, बी की जगह पे क्या लिखेंगे थ्री और सी की जगह पे क्या लिखेंगे टू। देखिए दोस्तों वही आ गया क्या, फोर ए एल, फोर ए एल, थ्री ओ टू, थ्री ओ टू, टू ए एल टू ओ थ्री, टू ए एल टू ओ थ्री, राइट दोस्तों। तो ये हो गया अलजेब्रिक मेथड हो गया दोस्तों, राइट। ध्यान दीजिएगा इसके आगे भी हम लोग एक और चर्चा करते हैं इसके बारे में। ये अब देखिए दोस्तों यहां पे क्या है, सी ए प्लस एच सी एल गिव राइज टू सी ए सी एल टू प्लस एच टू, राइट। तो अब क्या करेंगे, इसके आगे क्या लिखाएगा ए, इसके आगे बी, इसके आगे सी और इसके आगे डी, राइट दोस्तों, है ना। तो अब यहां पे कैल्शियम के लिए, यहां पे वन है तो क्या लिखाएगा, सीधे ए लिखाएगा। अब कैल्शियम देख लेना यहां पे, तो वन है तो क्या लिखाएगा, सी लिखाएगा। अब हाइड्रोजन के लिए यहां पे बी, क्या कि एक ही है तो बी लिखाएगा, इसमें हाइड्रोजन कहां है यहां, तो क्या लिखाएगा टू डी लिखाएगा, टू डी लिखाएगा दोस्तों। अब क्लोरीन के लिए बी, राइट, ये इसके लिए दोनों के है ना, तो क्लोरीन के लिए बी, तो क्लोरीन के लिए कहां है यहां पे टू, टू सी लिखाएगा दोस्तों, राइट। तो अब क्या करेंगे, अपने मन से किसी एक को इजी वैल्यू वन मान लेंगे, तो इसको मान लेते हैं वन, राइट। तो यहां पे ए बी सी और डी, ए का वैल्यू वन, सी का वैल्यू भी वन। अब यहां पर सी का वैल्यू वन डालेंगे तो बी का वैल्यू निकल जाएगा, बी इक्वल टू टू इंटू वन यानी टू, तो बी का वैल्यू टू। अगर बी का वैल्यू टू डालेंगे तो डी का वैल्यू निकल जाएगा, तो बी इक्वल टू है टू डी, तो बी का वैल्यू क्या डाल दिया, टू इक्वल टू टू डी, टू से टू कट गया कितने, वन, डी इक्वल टू क्या हो गया वन, डी इक्वल टू क्या हो गया वन, राइट, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बढ़ाएगा, ए की जगह पे वन, वन तो ऐसे लिखाता नहीं है, है ना, बी की जगह पे टू, सी की जगह पे वन और डी की जगह पे वन, है ना दोस्तों। तो वन तो ऐसे लिखाता नहीं है, राइट। तो देखिए सी है, यहाँ पे टू है तो टू एस सी एल, यहाँ पे टू एस सी एल, यहाँ पे भी वन, सी एस सी एल टू एस टू, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार आप अलजेब्रिक मेथड से भी बैलेंस कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग एक कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन है सी एच फोर प्लस ओ टू गिव राइज टू सी ओ टू प्लस एच टू ओ, राइट, इसको बैलेंस करना। और एक है ना जिसको फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस भी कहते हैं, जैसे उसका उल्टा है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस ओ टू गिव राइज टू सी ओ टू प्लस एच टू ओ, यानी इस दोनों इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, एंड आफ्टर दैट है ना अलजेब्रिक मेथड से करेंगे। तो पहला जो दिया हुआ है ना दोस्तों कि सी एच फोर प्लस ओ टू गिव राइज टू सी ओ टू प्लस एच टू ओ, राइट। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है दो, यहाँ पे कितना है दो और एक तीन है दोस्तों, राइट। तो यहाँ तो दो है और यहाँ एक है, तीन है, यहाँ तो दो ही है, राइट दोस्तों। तब तो ये तो गड़बड़ हो गया, राइट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब तो ये गड़बड़ हो गया तो क्या करेंगे, चलो हटाओ, पहले एक काम करते हैं, अब इसको छोड़ देते हैं, राइट। तो ये गड़बड़ हो गया, देखते कुछ और इजी वाला मिल सकता है क्या, चलो देखते हैं। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला यहाँ अलग अलग मिल गया ना, तो उसको थोड़ा सा
छोड़ देते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन का, देखिए यहाँ पे कितना है, चार हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है, दो हाइड्रोजन है। चलिए ये लड़ा आसान, तो इसी बोले ये इसमें भी कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं, ऐसे उसे ही बन जाएगा और ऐसे ही बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फोर है, यहाँ हाइड्रोजन टू है, दोनों का एलसीएम ले, कितना हो गया, फोर ही होगा। तो इसको फोर करने के लिए किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी फोर है, इसको फोर करने के लिए किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। हाइड्रोजन फोर हो गया, यहाँ भी फोर हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन देखते हैं, टू और टू फोर, फोर ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे टू है ना दोस्तों, तो टू और फोर कैल्सियम, फोर, फोर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टू लगाएंगे, यहाँ तो ऑलरेडी फोर है, टू और प्लस टू फोर, तो ये हो गया बैलेंस्ड। कर दिया दोस्तों, क्या करते हैं पहले इसमें से खोज लेना जो आसान है उसको लेकर लेना, मगर मेनली क्या होता है नॉन मेटल्स का ही हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। ये हो गया बैलेंस्ड। अब दूसरा ये कह रहा है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस ओ टू गिव राइज टू सी ओ टू प्लस एच टू ओ, ये हो गया आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला, है ना दोस्तों, ठीक। तो अब कह रहा है कि इसको बैलेंस करने के लिए, तो फिर यहां पर देखते हैं क्या, ऑक्सीजन से प्लस दो आठ, यहाँ फिर ऑक्सीजन वाला सिस्टम गड़बड़ हो गया, तो क्या करते हैं फिर हाइड्रोजन की सहारा लेते हैं। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ, ट्वेल्व, यहाँ कितना हाइड्रोजन, टू, तो क्या करते हैं टू और ट्वेल्व का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्वेल्व, तो ट्वेल्व यहाँ तो ऑलरेडी है, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इसको ट्वेल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिक्स करना पड़ेगा दोस्तों, राइट। तो हो गया हाइड्रोजन ट्वेल्व कंप्लीट, है ना दोस्तों। ऑक्सीजन तो अल्टर था क्योंकि वहां पर डबल डबल था, इसलिए अब देखते हैं किसका सहारा लेंगे, कार्बन का सहारा लेते हैं। तो कार्बन कितना है, सिक्स, यहाँ पे कितना है, वन, वन और सिक्स का एलसीएम कितना हो गया, सिक्स, तो इसको सिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिक्स लगाना पड़ेगा, यहाँ तो ऑलरेडी सिक्स है, इसमें कुछ लगाना नहीं पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो अब देखना है क्या कि ये तो हो गया आपको कार्बन भी सिक्स, कार्बन में सिक्स, अब बच गया ऑक्सीजन, लास्ट ऑक्सीजन बच गया। तो अब यहाँ देखना है क्या, यहाँ सिक्स है और यहाँ पर कितना है, है ना, सिक्स टू जै ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस सिक्स कितना होता है, एटीन होता है, कितना होता है, एटीन होता है। तो एटीन में देखते हैं कि सिक्स तो ऑलरेडी यहाँ पर है ना, इसमें कुछ छेड़छा नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग इसे पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ सिक्स है, एटीन में से सिक्स गया तो कितना बच गया, ट्वेल्व, तो यानी ये ट्वेल्व हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको ट्वेल्व करने के लिए किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, राइट, है ना दोस्तों, ठीक। चलिए इसको क्या करते हैं, एक बार और बताते हैं आपको, राइट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वंस मोर बताते हैं, राइट। फिर से देख लीजिए, पहले ऑक्सीजन यहां देखिए सिक्स और टू एट, यहाँ टू और थ्री, तो थोड़ा सा अल्टर टाइप का हो गया, ऐसे बन सकता है ना, पर थोड़ा अल्टर टाइप का हो गया, तो इसको छोड़ देते हैं, राइट। तो फिर किसी सहारा लेते हैं, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कितना है, ट्वेल्व, हाइड्रोजन कितना है, टू, तो टू और ट्वेल्व का एलसीएम, ट्वेल्व, है ना, यहाँ ट्वेल्व तो ऑलरेडी है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसको ट्वेल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिक्स टू जा ट्वेल्व होता है दोस्तों, राइट, है ना। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन का काम खत्म हो गया, तो अब देखते हैं कार्बन की बारी। तो कार्बन कितना है, सिक्स, यहाँ कितना है, वन, वन और सिक्स का एलसीएम, सिक्स, तो यहाँ तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, यहाँ कर दिए, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, सिक्स। अब कार्बन और हाइड्रोजन का काम खत्म, अब तो ऑक्सीजन आना ही पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ कितना है, सिक्स और टू एट है, यहाँ कितना है, सिक्स टू जै ट्वेल्व और प्लस सिक्स एटीन, तो बड़ा ये है, उसके हिसाब से इसका काम करते हैं। तो अब इधर एटीन ऑक्सीजन हो गया, यहाँ तो दोनों साइड लग गया ना, अब क्या करेंगे उसको, तो दो, अब यहाँ पर एटीन ऑक्सीजन हो गया, राइट, और यहाँ पर सिक्स है और यहाँ पे टू है, तो इसमें तो कर नहीं सकते क्योंकि इसमें अगर छेड़छाड़ करेंगे तो इसमें भी छेड़छाड़ करना पड़ जाएगा हमको, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं, इसमें छेड़छाड़ करेंगे। तो पहले 18 में से 6 घट गया तो कितना बच गया, 12, तो इसको 12 करने के लिए किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। अब देखिए बैलेंस्ड हो गया, कार्बन 6, 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12, 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6 प्लस 12 18, 6 टू जा 12 प्लस 6 18, हो गया बैलेंस्ड, राइट दोस्तों, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब अलजेब्रिक मेथड से इसको बनाएंगे, राइट। तो पहले इसको मिटा देते हैं, ये वाला नोट कर लिए दोस्तों, राइट, ये चलिए अब यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड से दोस्तों, है ना, ठीक। अलजेब्रिक मेथड से करने के लिए यहाँ पे बोले क्या होगा, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, राइट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कार्बन के लिए ए,
तो कार्बन के लिए क्या होगा यहाँ पे सी, हाइड्रोजन के लिए 4A हो जाएगा, लेकिन इससे मल्टीप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन के लिए 2B हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए 2B, तो ऑक्सीजन के लिए 2C, और प्लस यहां भी है 2C प्लस D, ये हो जाएगा दोस्तों, राइट है ना। तो अब हमको किसका निकालना, ए का निकालना, बी का निकालना, सी का निकालना और डी का वैल्यू निकालना, इस चारों का वैल्यू निकालना है ना दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, इसमें आसान मान लेंगे किसी एक को, वन, राइट, यही आसान लग रहा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया वन, सी का वैल्यू कितना आ गया वन, राइट। तो अगर हम यहाँ पे ए का वैल्यू डाल दे वन, तो डी का वैल्यू निकल जाएगा क्या, फोर इंटू ए का वैल्यू क्या डाल दिए वन इक्वल टू टू डी, टू से कटेगा कितने टाइम्स में, टू टाइम्स में, तो डी इक्वल टू क्या हो गया टू, डी का वैल्यू क्या आ गया टू आ गया, है ना दोस्तों। अगर हम यहाँ पे सी और डी का वैल्यू डाल दें तो बी का वैल्यू निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा, टू बी इक्वल टू टू, सी का वैल्यू कितना है वन प्लस डी का वैल्यू कितना है टू, तो टू बी इक्वल टू टू प्लस टू फोर, ये कट क्या गया टू, तो बी का वैल्यू कितना आ गया टू, राइट दोस्तों, है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, CH4 plus O2 give rise to CO2 plus H2O, CH4 क्या क्या लगेगा कुछ नहीं, O2 क्या क्या लगेगा टू, C क्या क्या लगेगा कुछ नहीं, और D यहाँ पे टू। अब देखते हैं ये बैलेंस्ड हुआ कि नहीं, कार्बन एक, कार्बन एक, हाइड्रोजन चार, टू टू जा फोर, यहाँ ऑक्सीजन फोर, यहाँ टू और टू जा फोर, राइट दोस्तों, ये हो गया बैलेंस्ड। ये अल्जेब्रिक मेथड से ये समझ में आया है ना दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको अच्छे से समझा के बनाऊं, राइट दोस्तों, है ना। तो आगे फिर चलते हैं, अब इसका ये क्वेश्चंस कौन सा आगे, ये जो है एक और देख लेते हैं, ये बड़ा वाला, राइट दोस्तों, है ना। तो इसमें क्या है, C6H12O6 प्लस O2 गिव राइज टू CO2 प्लस H2O, टाइटल दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D, राइट दोस्तों। तो अब देखते हैं यहाँ कि कार्बन के लिए दोस्तों 6A हो जाएगा, तो यहाँ कार्बन के लिए C हो जाएगा, राइट। अब हाइड्रोजन के लिए दोस्तों 12A हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन के लिए 2D हो जाएगा, राइट दोस्तों। ऑक्सीजन के लिए 6A प्लस, ऑक्सीजन यहाँ भी है 2B इक्वल टू, ऑक्सीजन के लिए दोस्तों यहाँ 2C प्लस D, राइट दोस्तों। हम लोग जानते हैं किसी एक को इजी मानेंगे कि वन मान लेंगे, तो चलिए इसको वन मान लेते हैं। हम लोग को क्या निकालना, ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है और डी निकालना है, ये चारों निकालना है। तो सी का वैल्यू वन, सी का वैल्यू वन डायरेक्टली क्लियर है। अब 6A इक्वल टू वन, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन सिक्स, ए का वैल्यू क्या हो गया वन अपॉन सिक्स आ गया, राइट दोस्तों। अब यहां पर अगर A का वैल्यू पुट करेंगे तो D का वैल्यू निकल जाएगा 12, A का वैल्यू कितना है वन अपॉन सिक्स इक्वल टू टू डी, सिक्स से कितने टर्म्स में कटेगा टू से, टू इक्वल टू टू डी, टू से टू कट गया वन टर्म्स में, तो डी इक्वल टू क्या हो गया वन, तो डी इक्वल टू क्या हो गया वन। अब बचा कौन, बी, अगर यहाँ पे सी डी और डी का वैल्यू डाल दें तो बी का वैल्यू निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर डालते हैं 6 into A का वैल्यू वन अपॉन सिक्स प्लस 2B इक्वल टू टू, सी का वैल्यू कितना है वन प्लस डी का वैल्यू कितना है वन, है ना दोस्तों। सिक्स से सिक्स कट गया, राइट, तो ये कितना हो गया वन। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वन प्लस टू बी, वन प्लस टू बी इक्वल टू टू प्लस वन थ्री, ये उधर जाएगा, टू बी इक्वल टू थ्री माइनस वन यानी टू, तो बी इक्वल टू क्या हो गया वन, बी इक्वल टू क्या हो गया वन दोस्तों, राइट, बी इक्वल टू क्या आ गया वन हो गया, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आ गया ये सब सिस्टम, तो अब यहाँ पर स्थिति देखते हैं, यहाँ पर 6 है अपॉन में, कहीं नहीं है,
तो इसका एलसीएम 6 हो गया होगा, तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, कट गया इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 6, इसका वैल्यू 6, इसका वैल्यू 6, है ना दोस्तों। ठीक, तो आप लोग लिख सकते हैं इसको यहाँ पर C6H12O6 प्लस O2 गिव राइज टू CO2 प्लस H2O, राइट। इसके आगे है तो 1 नंबर कुछ नहीं लिखाएगा, इसके आगे 6 लिखाएगा, इसके आगे 6 लिखाएगा और इसके आगे 6 लिखाएगा, हो गया बैलेंस दोस्तों, राइट। तो इस प्रकार आप अलजेब्रिक मेथड से भी इसको इजीली बना सकते हैं दोस्तों, है ना। ठीक, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये लाइक और कमेंट करके बताएंगे, है ना। आज के इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक्स पे चलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।